एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली छोटे बालों के लिए फाइव अमेजिंग हेयर स्टाइल। तो किस टाइप के हेयर स्टाइल हैं, कैसा लुक आता है, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टाइड प्रीति तिवारी 24 है, सेकंड चैनल का नाम है सिलाई कोर्स प्रीति तिवारी, जिसमें सिलाई से रिलेटेड डिजाइनर ड्रेस की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छे से बालों को कॉम करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये आईब्रो का आर्च होता है यहाँ से हेयर उठाएंगे और इसमें ब्राइड बनाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल सी ब्रेड है और थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाएंगे साथ में। छोटे बालों के लिए और खुले बालों के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। थोड़ा थोड़ा हेयर लेके ऐड करते जाएंगे और मैं यहाँ पे कॉम का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैसी लुक आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा हेयर स्टाइल, तो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया हेयर, बस इतना ही ऐड करना है और उसके बाद से बाकी बचे बालों को सिंपल सी चोटी बना लेनी है। उसके बाद सिंपल वाला रबर बैंड लेना है और एंड पॉइंट पे लगा देना है और इस तरीके से इसको खींच लेना है, देन इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद से जो आपकी ब्रेड है उसको सिंपली थोड़ा थोड़ा खींच लेना है इस तरीके से ताकि थोड़ा वॉल्यूम दिखे आपकी जो चोटी है उसमें। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया खुले बालों के लिए। ये आप शोल्डर लेंथ के हेयर पे भी कर सकते हो, मीडियम लेंथ जैसे कि मेरा है इस लेंथ पे भी कर सकते हो एंड लंबे बालों पे भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे छोटे बालों के लिए बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा और फ्रंट से ऐसा लुक आएगा, तो है ना। और यहाँ ऊपर से आपको काफ़ी मैसी सा लुक मिल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा इसको खींच भी सकते हो और बहुत ही सुंदर सा स्टाइलिश सा एंड ईजी सा आपका फर्स्ट हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल के साथ। आपको जितनी लेयर्स निकालनी है आप निकाल दोगे क्योंकि जो आप इस टाइप के हेयर स्टाइल बनाते हो उस पर आपके लेयर्स जो फेस पे गिरे जाते हैं, फेस को फ्रेम देते हैं, जिससे कि आपका लुक बहुत अच्छा दिखता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फंक्शन में पार्टी है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो शोल्डर लेंथ के लिए, और एकदम शॉर्ट हेयर है ईयर लेंथ है तो भी आप ये बना सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। जो सेकेंड हेयर स्टाइल होगी उसके लिए आपको इस तरीके की टेलकोम पेन पेंसिल कुछ भी यूज कर सकते हो या बन स्टिक होता है, उसे आपको इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके मांग निकाल लेनी है। ओके, इस तरीके से आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद से सिंपली आपको एक साइड से हेयर को ले लेना है, थोड़ा सा हेयर का सेक्शन लेना है और यहाँ पे भी हम इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और जैसे हमने पहले सिंपल सी चोटी बनाई थी ऊपर से फर्स्ट वाले हेयर स्टाइल में, वैसे ही यहाँ पे बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बालों का सेक्शन लेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। ये हेयर स्टाइल भी छोटे बालों पे काफ़ी बेस्ट लगेगा एंड कोई क्यूट सी छोटी सी बच्ची है उस पर भी बनाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा एंड आप बड़ी हो कॉलेज गर्ल हो तो भी अच्छा लगेगा। तो आप देख लेना आपको किसके ऊपर बनाना है, जींस टॉप पे भी हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखेगा।
इसके बाद सिंपली आपको एक रबड़ बैंड लेना है और यहाँ पे लगा देना है। और अगेन इसमें से थोड़ा थोड़ा इसको खींचते जाना है ताकि आपके बालों में वॉल्यूम आ जाए। ओके और यहाँ पे अगेन आपको रबड़ बैंड को हाइड करना है, तो इस तरीके से बन का लुक दे दोगे इसको। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा सेक्शन लेंगे बालों का, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाएंगे साथ साथ में। इस तरीके से हेयर ऐड करते जाएंगे और बनाते जाएंगे ब्राइड को, अपने क्राउन एरिया तक बनाएंगे इसको। अब जितने भी हेयर बचे हैं उनको सिंपली चोटी बना लेंगे। और फिर से आपको रबड़ बैंड ऐड कर देना है, यहाँ पे सेम कलर की रबड़ बैंड यूज़ कीजिएगा कि थोड़ा बहुत दिखे भी तो वो अच्छा लगे, बेकार ना लगे। और इस तरीके से ला के रबड़ बैंड के अंदर इसको लगा लेना है और अगेन खींच लेना है। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। तो है ना क्यूट सा, आप चाहो तो इसके साथ इस तरीके से सारे बालों को पकड़ के एक पोनी भी बना सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा और स्टाइलिश लगेगा। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको अपने फ्रंट से कुछ इस तरीके से हेयर ले लेना है। ओके इसमें एक रबड़ बैंड लगा देंगे। और इस तरीके से वॉल करेंगे, इसमें अंदर की तरफ पुल कर देंगे, सॉरी अंदर की तरफ इंसर्ट करके जो ये हेयर है इनको थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे, मैसी सा लुक दे देंगे इसमें। और फ्रंट से भी सारे हेयर को खींचेंगे। दैट्स इट, ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। आप इसको हाइड करने के लिए छोटा सा क्लचर इस तरीके से आगे की तरफ पुल करके बालों को छोटा सा क्लचर ऐड कर सकते हो, जिससे कि रबड़ बैंड आपका हाइड हो जाएगा और आपका आपको एक पफ का लुक मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो फ्रंट में इस तरीके से बाल रख सकते हो, चाहो तो आप बैक में रख सकते हो, और काफ़ी अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, छोटे बालों पे काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सॉरी फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको अगेन इधर से थोड़े थोड़े हेयर सेक्शन, बालों का सेक्शन ले लेना है। ओके आपने जो पोनी बनाई हुई है उसके ऊपर से इस तरीके से लेके जाएंगे और दूसरी साइड लेके आएंगे और यहाँ पे एक क्लिप से इसको सिक्योर कर लेंगे। ओके सिक्योर इस तरीके से करेंगे कि यहाँ से आपका जो क्लिप है वो दिखे ना। फिर दूसरी तरफ ले लेंगे, दूसरी तरफ से भी हेयर लेंगे और उसी रबर बैंड के ऊपर से लेके आएंगे और नीचे की तरफ लाके अगेन आपको एक क्लिप से इसको सिक्योर कर लेना है।
और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी स्टाइलिश लगता है। छोटे वालों पे, लंबे वालों पे, मीडियम लेंथ हेयर पे आप सब पे बना सकते हो। और इसका बैक का लुक कुछ इस तरीके का है एंड फ्रंट से ये ऐसा दिखेगा। तो चलते हैं पाँचवें, इतनी गर्मी है कि मेरा सिंदूर बह रहा है। चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ एंड आखिरी हेयर स्टाइल की तरफ। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच सकते हो आप इसमें। पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। पाँचवा जो हेयर स्टाइल है उसको हम लोग मिडिल पार्टीशन से करेंगे। इस तरीके से बीच की मांग निकाल लेंगे। ये पांचों हेयर स्टाइल, पांच हेयर स्टाइल हैं छोटे बालों के लिए, जो कि काफ़ी क्यूट, स्टाइलिश एंड इंस्टेंट इजी है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ले लिया है, मिडिल पार्टीशन कर ली है। यहाँ से बालों को लेंगे, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल जैसे हमने पहले ब्राइड बनाई थी, उल्टी चोटी जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो इसको इस तरीके से उल्टी चोटी करते जाएंगे। और जो हमने लाइन क्रिएट की है इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा हेयर इसमें ऐड करते जाएंगे। ये भी काफ़ी क्यूट लगता है और बहुत इजीली आप बना लोगे। इस तरीके से बनाते जाएंगे। अब जितने भी हेयर बचे हैं उनका सिंपल ब्रेड बना लेंगे। एंड तक क्राउन एरिया तक ये हेयर स्टाइल बनाने के बाद से पूरा सिंपल ब्रेड बना लेंगे। हैंड तक इसको गूंथने के बाद से थोड़ा थोड़ा खींचेंगे जिससे कि वॉल्यूम दिखे आपके ब्रेड में। और सिंपली यहाँ पे बन का लुक देते हुए एक क्लिप से इसको सिक्योर कर लेंगे, बॉबी क्लिप से। ओके, और यहाँ का जो आपका ब्रेड है उसको थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे ताकि लुक अच्छा आए। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड करना है। ये एक और क्लिप आप लगा सकते हो अच्छे से सिक्योर करने के लिए। ओके, तो इस साइड भी इसी तरीके से बना लेंगे। आराम से करिएगा, नहीं तो आपके बाल अगर उलझते होंगे तो बहुत ज़्यादा उलझ सकता है इसमें। जल्दीबाजी ना करें बिल्कुल भी। अगर लंबे बालों पे आपको ये बनाना है तो आप थोड़ा और भी आराम से कीजिएगा। फिर से पूरा इसको चोटी बना लेंगे हम लोग। और इस साइड भी बन बना देंगे। तो ये है हमारा पांचवा और आखिरी हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही क्यूट है और बहुत अच्छा लगेगा। छोटे बच्चे भी बना रहे तो भी काफ़ी क्यूट लगेगा, कॉलेज गर्ल्स हो, और आप इस पे सूट पे, साड़ी पे, ऑल टाइप ड्रेस पे आप ये बना सकते हो। काफ़ी स्टाइलिश लगता है एंड बहुत ईजिली आप बना लोगे, बहुत स्टाइलिश सा लगता है। तो ये थे आज के पाँच हेयर स्टाइल जो कि आप छोटे बालों पे बना सकते हो, मीडियम लेंथ बालों पे भी बना सकते हो। तो कैसे लगे आप लोग को आज के सारे हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो आज के इंस्टा आईडी PreetyBhai24 है, प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।